लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में मैं राजू सिंह आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। आप देखिए कि संविधान के अंतर्गत हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में पिछले दो लेक्चर कर चुके हैं, आज ये तीसरा लेक्चर है और जहाँ तक मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ठीक उसके आगे से बाकी शेष चीज़ें कवर करने जा रहा हूँ। मैं पढ़ाना शुरू करूँ इससे पहले जरा आप देख लीजिए, मैं राजू सिंह पिछले 20 सालों से यूपीएससी पीएससी के पर्पज से जनरल स्टडीज़ के विभिन्न सेगमेंट्स और पब्लिक एड ऑप्शनल पेपर पढ़ाने का अनुभव रहा है हमारा और मैंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। ये हैं अनएकेडमी प्लस के टॉप एडुकेटर्स और आप देखिए कि अनएकेडमी प्लेटफॉर्म पर प्लस के प्लेटफॉर्म पर जो कोर्स अवेलेबल हैं उसमें यूपीएससी के लिए जो सजेस्ट किया जाता है उसकी फ़ी रखी गई है 1 ईयर का 40,000 और 2 ईयर्स का 64,000। अब है कि आप मेरे कोड राजू लाइव का यूज करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा यानी कि 36,000 और ये होगा आपका 57,600। अब इसके अंदर मिलता क्या है तो जरा देखिए, आपका प्रिलिम्स का पोर्शन, मेंस का पोर्शन और साथ में ऑप्शनल पेपर, ठीक है। मेंस में जीएस के चारों पेपर, प्रिलिम्स में सीसेट और जनरल स्टडीज के 7 सेगमेंट्स, ये इतने मात्र 36,000 रुपये में एक साल के लिए ये उपलब्ध है। आपको लाइव क्लासेस होती हैं, आप अपने हिसाब से अध्ययन कर सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और असम टेस्ट सीरीज होता है। आप पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम है, अपने हिसाब से आप अध्ययन कर सकते हैं जितना चाहे उतना उस तरीके से। और सवाल उठता है कि इस पर आने के लिए क्या करना होगा तो अनएकेडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहाँ पर जाने पर आपको गेट सब्सक्रिप्शन मिलेगा और फिर वहाँ पर गोल पूछा जाता है तो आप बताते हैं कि यूपीएससी सीएससी, फिर आपका कोर्स पीरियड कितना कितने समय के लिए लेना चाहते हैं सामने लिखा है तो आप अपना 12 महीने का मान लीजिए आप ऑफर कर रहे हैं तो ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप उसको डालेंगे, फिर मेरे कोड को डालेंगे, रेफरल कोड को मेरे डालेंगे राजू लाइव और सावधानी पूर्वक ये भर करके आपको 10% के डिस्काउंट के साथ जो है कि 36,000 में आप प्लस प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, ठीक है। ये मेरा कोड है, मेरे कोड को यूज़ करने वाले लोग मेरे साथ सघन रूप से जुड़ते हैं लेकिन एक बात जान लीजिए कि केवल मेरा ही कोर्स नहीं और दूसरों का भी कोर्स उनको उपलब्ध होता है, एक ही विषय के कई कई शिक्षक के कोर्स उपलब्ध होते हैं जिसका आपको अच्छा लगता है उसका आप पढ़ते हैं। चलिए, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप पर लिखते हैं तो हम आपको जवाब देते हैं, जो भी आपकी समस्या का पढ़ाई से संबंधित कोई क्वेरीज होती है उसको हल करते हैं। अभी तक जितने लोगों ने लिखा है आप सबको पता ही है कि लगभग हमने सबके जवाब दे दिए हैं। ये टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा लिंक है राजू सिंह आईएएस पीसीएस कोर्सेज, ये लिंक है। जिन्हें लिंक में दिक्कत आ रही है टेलीग्राम में जुड़ नहीं पा रहे हैं कृपया वे केवल मेरे व्हाट्सएप पर लिख देंगे और मैं व्हाट्सएप में उसको शेयर कर दूंगा, वो आप तक पहुंच जाएगा, बहुत आसानी से आप इनरोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। इससे टेलीग्राम चैनल में राजू सिंह आईएएस स्लैश पीसीएस कोर्सेज करके डालेंगे तो मिल भी जाएगा। अगर दिक्कत आ रही है तो सिर्फ आप इस नंबर का यूज़ करिए 9871115460, इस पर व्हाट्सएप करिए, सर लिंक शेयर करो और मैं उस पर लिंक शेयर करूँगा, आप तक बहुत आसानी से पहुँच जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कहते हैं कि भारतीय संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ठीक है। विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिकाई शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ
आपातकालीन शक्तियां सब राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक है, हम लोग इसका एक एक करके विस्तार से चर्चा करें। जैसा कि आप देख रहे हैं अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद की मदद से राष्ट्रपति इनके कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि परामर्श इनको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद, कैबिनेट का यूज तो हमारे उसमें बहुत रेयर हुआ है 44वें संविधान संशोधन में आपातकाल लागू करने के लिए पर्पज से किया गया था, नहीं तो हमारे यहाँ ये मंत्रिपरिषद ही का वर्ड है और मंत्रिपरिषद का आयाम व्यापक है। पीछे भी आपको दिखा चुके हैं, आपने देखा कि इस मंत्रिपरिषद के अंदर प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री कायदे से कैबिनेट है लेकिन ये उसमें हेड होते हैं, इसलिए अलग से इनको हम लिख रहे हैं प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और इनका सहयोग करने के लिए राज्य मंत्री, लेकिन कुछ राज्य मंत्री ऐसे होते हैं जो छोटे मंत्रालय विभाग को संभाल रहे होते हैं, वो ऐसे में उनको उस पूरे मंत्रालय की जिम्मेवारी दे दी जाती है, इसको कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, यानी स्वतंत्र प्रभार जब पढ़ेंगे आप किसी राज्य मंत्री के साथ तो आपको ये समझ में आ जाए कि ये अपने मंत्रालय के यही हेड है, यही सर्वे सर्वा है और इनके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जब सिंपल राज्य मंत्री पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। जैसे आप देखते हैं कि वित्त मंत्रालय है, बड़ा मंत्रालय है, उसके नीचे कई राज्य मंत्री काम करते हैं। इसी तरीके से आप गृह मंत्रालय में देखते हैं, वहाँ पर भी कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे काम करते हैं राज्य मंत्री। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय है, खेल मंत्रालय है, इस तरीके के छोटे मंत्रालयों में एक ही व्यक्ति को दिया जाता है राज्य मंत्री और उसे स्वतंत्र प्रभार बना दिया जाता है। इनके कार्यों का बंटवारा अनुच्छेद 77 के अनुसार राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा देखिएगा, इसमें पूरी पेचीदगी बातें क्या है। जब चुनाव होता है, समझिएगा, जब चुनाव होता है और जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह उनका अपना नेता चुनते हैं वह दल, और वह दल जिसको अपना नेता चुनते हैं उसे राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रण करते हैं, बुलाते हैं। तो फंडा यहां पर है कि राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन कहने का मतलब किसको प्रधानमंत्री बनाते हैं, जिसको बहुमत प्राप्त दल ने अपना नेता चुना हो उसे प्रधानमंत्री बनाते हैं। ठीक है, अब प्रधानमंत्री तो बना दिए लेकिन बाकी जो मंत्री होते हैं उन मंत्रियों के लिए प्रधानमंत्री ही लिस्ट तैयार करके राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। प्रधानमंत्री ही वो सब कुछ तय करते हैं कि किसको कौन सा मंत्रालय देना है, लेकिन सब कुछ क्रियान्वित होता है राष्ट्रपति के माध्यम से, राष्ट्रपति के नाम से ही सब कुछ हमारे देश में संचालन होता है, लेकिन रियल एक्शन बॉडी प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, तो व्यवहार में सलाह प्रधानमंत्री देते हैं, कार्य का बंटवारा कैसे हो यह सब उन्हीं का परामर्श रहता है, उन्हीं का सारा सूची रहता है, लेकिन कहा जाता है कि राष्ट्रपति जी मंत्री को नियुक्त किए हैं, यह मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक काम करेगा। यह जो प्रसाद पर्यंत है इसका भी सेंस ये होता है कि जब तक राष्ट्रपति जी चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर कार्य करेंगे, लेकिन वास्तविकता यही है कि अब प्रसाद पर्यंत भी वह राष्ट्रपति का अपना विवेक नहीं होता है, वह जो है कि प्रधानमंत्री का ही सजेशन होता है कि इनसे इस्तीफा मांग लिया जाए, इनको हटा दिया जाए, वो सब उन्हीं का होता है। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल द्वारा संघ प्रशासन तथा व्यवस्थापन संबंधी प्रस्तावों की सूचना दे। मैं थोड़ा यहां पर आपको अच्छे से बताता हूं, ये देखिए आर्टिकल 78 है और बहुत आपको हमेशा याद रहेगा 78 क्लॉज 1, 78 क्लॉज 2 और 78 क्लॉज 3। ठीक है, इन तीनों में क्या है, एक प्रधानमंत्री का अपना एक दायित्व है कि समय समय पर वह राष्ट्रपति महोदय से मिले और जो भी शासन व्यवस्था में अचीवमेंट हो रही है, जो भी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, उन सब से वह
राष्ट्रपति महोदय को सूचित करते रहें। यह सामान्य कार्य हो गया प्रधानमंत्री जी का। अपने विवेक से वह मौके मौके पर राष्ट्रपति महोदय से अगर मिलते रहते हैं तो और उनको शासन प्रशासन की गतिविधियों से अवगत कराते रहते हैं, ये एक शिष्टाचार है। और ऐसा होने पर राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री के रिश्ते हमेशा मधुर बने रहते हैं, कोई गतिरोध नहीं आता। लेकिन जब प्रधानमंत्री इस तरीके के दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं तो 78(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री से किसी विषय में जानकारी देने के लिए कह सकते हैं, यानी तब पहल राष्ट्रपति महोदय की तरफ से होता है। और राष्ट्रपति महोदय अगर अपेक्षा करें कि तो प्रधानमंत्री अपनी वो जानकारी उनके सामने पेश करेंगे अगर उनके द्वारा मांगी गई। 78(3) के अंदर क्या है, आप देखिए कि ये मंत्रिपरिषद है और इस मंत्रिपरिषद में कोई मंत्री कुछ ऐसा बोल रहा है जो कि उचित नहीं जान पड़ रहा है, ऐसे में राष्ट्रपति महोदय इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि मंत्री का यह जो विचार है या जो भाषण है, क्या आप सब इससे सहमत हैं, क्या यह मंत्रिपरिषद का विचार है या ये उनका व्यक्तिगत विचार है। ठीक है, तो ये इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर उठाए जाते हैं। अगर लगता है कि नहीं यह मंत्रिपरिषद का अपना विचार नहीं है तो या तो उनको वापस किया जाए और नहीं तो फिर उनको हटाने का उपाय किया जाए, ये होता है। कहने का मतलब कि तीन बातें, एक सामान्य स्थिति है जब प्रधानमंत्री समय समय पर जैसे विदेश गए लौटे तो वहाँ से फिर एक शिष्टाचार मुलाकात राष्ट्रपति जी के साथ होती है कि वहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ वो सब उनको अवगत कराया जाए, यह बहुत शिष्टाचार का विषय है, अच्छी बात है। लेकिन जब कभी प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति को इग्नोर करते हैं तो राष्ट्रपति महोदय 78(2) के अंदर राष्ट्रपति को इस प्रधानमंत्री को इस तरीके की सूचना देने के लिए कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। और तीसरा, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य यदि कुछ बोल रहा है, लगता है कि आपत्तिजनक है, राष्ट्रपति महोदय अपेक्षा करते हैं कि क्या वह मंत्री का विचार मंत्रिपरिषद का विचार है, अगर मंत्रिपरिषद का विचार है तो उसके मंत्रिपरिषद में पारित कराया जाए। ठीक है, तो ये चीजें हैं तीन बातें। ये लिखा है प्रधानमंत्री को किसी ऐसे मामले पर विचार करने को कह सकते हैं जिसके बारे में किसी मंत्री ने घोषणा की हो परंतु मंत्रिमंडल ने विचार न किया हो, यानी चीज स्पष्ट हो कि क्या यह मंत्रिमंडल का विचार है या किसका विचार है या उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों, नियंत्रक में महालेखा परीक्षक, एक बात क्लियर है कि राष्ट्रपति जी बहुतों की नियुक्ति करते हैं, क्या नियुक्ति अपने मन से करते हैं, नहीं, उसमें जो है प्रधानमंत्री की ही सलाह होती है और उन व्यक्तियों को वह नियुक्त करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चाहे वो मंत्री हों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हों, अभी आजकल आपको एक छोटी सी सूचना दे दें, ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी करते हैं यह भी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो एक सिंगल पर्सन होते हैं इसको बहुसदस्यीय बना दिया जाए, यह भी डिबेट का विषय चल रहा है, बहुसदस्यीय बना दिया जाए। ठीक है, क्योंकि और हवाला किया दिया जा रहा है जिस तरीके से पहले निर्वाचन आयोग में सिंगल पर्सन थे टीएन शेषन जी और उसके बाद उसमें क्या कर दिया, बहुसदस्यीय बना दिया। ऐसा लगता है कि सरकार को कि एक व्यक्ति चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है, अगर बहुसदस्यीय होगा तो कंटिन्यूटी रहती है, इसे सातत्य रहता है, एक रिटायर होता है दो लोग होते हैं अनुभव प्राप्त करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। इसमें तो क्या है, एक व्यक्ति है और उनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ या 65 साल पूरा हुआ वो चले गए, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट एक व्यक्ति आता है, यानी इस कार्यालय में सातत्य कंटिन्यूटी नहीं रहती है। बाकी नीचे के ऑफिसर अपना काम करते हैं लेकिन जो ऊपर के नियंत्रक महालेखा परीक्षक महोदय हैं वह एकदम बिल्कुल नए आ जाते हैं। तो खैर बहुत सारे बातों का इनको विवाद चल रहा है इस समय, जैसे इनके द्वारा परफॉर्मेंस ऑडिट करने को, ये परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट कहती है मामले में
कि क्या सीए जी कोई एक मुनीम तो नहीं है, सीए जी कोई मुनीम तो नहीं है कि केवल देखेंगे कि हाँ खाता बही चेक कर लिया, खाता बही सही पाया गया, बात खत्म। ऐसा नहीं होगा। जो पैसे का व्यय हो रहा है उस पैसे का रियल रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, उसकी उपयोगिता है कि नहीं, इन बातों पर भी विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि सीए जी क्या है, हमारे देश के वित्त का संरक्षक है, रखवाला है, उसको ये भी राइट होना चाहिए, यानी वह उस पैसे के खर्च का परफॉर्मेंस ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, न्यायालय ने इस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया है। चलिए, कभी संदर्भ आएगा जब आगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो मैं आपको बहुत विस्तार से इसको भी बताऊंगा। महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति होती है। आपसे देखिए कि ये जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल, ये पूरी तरह से राजनीतिक पद होता है। ये पूरी तरह से राजनीतिक पद का मतलब क्या है, राजनेता होते हैं? नहीं नहीं, ये तो विधि अधिकारी होते हैं। तो फिर आपने कहा कैसे राजनीतिक पद होता है? कहने का मतलब कि जो सरकार, जो दल सरकार बनाई है, वह दल अपने हिसाब से किसी को महान्यायवादी चुनती है, यानी कि नियुक्त करवाती है। और जब तक ये दल है तब तक वो महान्यायवादी महोदय हैं। जैसे ही दल बदलेगा वह महान्यायवादी बदल जाएंगे। ये बात दिगर है कि कई बार अगली सरकार भी उन्हें कंटिन्यू कर लेती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये दल के साथ आते हैं और दल के साथ, यानी उस सरकार के साथ आते हैं और सरकार के साथ चले जाते हैं। इस सेंस में मैं इसको राजनीतिक पद ही कहा, जबकि ये तो विधि के जानकार होते हैं, कानून के जानकार होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। सीधे सीधे तो हम यही कहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय नियुक्ति करते हैं, लेकिन इस नियुक्ति के पीछे परामर्श का पैटर्न है, जजेस केसेस का पैटर्न है, ठीक ना, तो बहुत सारी बातें हैं ये। लेकिन सीधा सीधा हम यही समझेंगे कि उनके द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब देखिए, राज्यपालों, विदेशों में राजदूतों, संघ लोक सेवा आयोग के सभापति व सदस्यों तथा मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयोगों के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। यानी व्यापक नियुक्ति का दायित्व तो राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। आप देख रहे हैं कि सारा ये नियुक्ति होती है। आप आगे देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियां, आप देखिए कि कार्यपालिका ही शक्ति है, एक्सिक्यूटिव पावर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, यद्यप राष्ट्रपति प्रशासन का वास्तविक प्रधान नहीं है, वास्तविक प्रधान कौन है, वह तो प्रधानमंत्री है, लेकिन एक बात जान रखिएगा, सारे कार्यवाही राष्ट्रपति महोदय के नाम पर होती है। सारी कार्यवाही राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ही होती है, भले ही वास्तविक प्रधान नहीं है तो क्या। देखिए, शासन के सभी कार्य उन्हीं के नाम पर होते हैं और संघ के सभी कार्यपालिका अधिकारी उनके अधीन रहते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का, एक सेकंड, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री है, की सलाह पर करेगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति महोदय को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, तो मानने के लिए बाध्य कर दिया। लेकिन उसके अगले क्रम में क्या होता है कि अगले क्रम में 44वें संविधान संशोधन से एक मतलब दान दे दिया जाता है उनको, कि एक बार वह रिपीट कर लौटा सकते हैं, और लौटाने के बाद जब पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं 44वें से परमिशन दी, और जब पुनर्विचार के बाद आएगा
वो साधारण बहुमत से पारित होकर आएगा, बिना किसी परिवर्तन के आएगा, फिर भी अब राष्ट्रपति महोदय को इस पर हस्ताक्षर करना होगा, इस पर साइन करना होगा, नहीं तो उनके खिलाफ महाभियोग का प्रावधान बनेगा। ठीक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन का आरोप लगेगा और उसका खामियाजा है कि महाभियोग चलाया जाएगा। तो कहने का मतलब जहां 42वें से बाध्य किया गया, वहीं 44वें से एक अपॉर्चुनिटी दे दी गई है कि एक बार रिव्यू के लिए वह भेज सकते हैं, लेकिन रिव्यू होके आने पर सिग्नेचर करनी पड़ेगी। देखिए, ये वो सभी लोग हैं जिन्हें राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करेंगे, जिस दल को बहुमत मिला हो और अपने अपना नेता चुना हो। मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, कहा जाता है कि वह उनके प्रसाद पर्यंत तक काम करेंगे, लेकिन यहाँ प्रसाद पर्यंत का अर्थ यही होता है कि वह प्रधानमंत्री का प्रसाद पर्यंत होता है, यानी मंत्रिपरिषद की राय होती है उसी के हिसाब से। भारत का महान्यायवादि, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य तथा अन्य आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्त। अब देखिए, राष्ट्रपति को इन्हें पद से हटाने का भी अधिकार है। किसको किसको? मंत्रिपरिषद के मंत्री को, राज्यों के राज्यपाल को, उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। ठीक है, एक बात जानिएगा, जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके सदस्य की नियुक्ति तो राष्ट्र गवर्नर महोदय करते हैं, लेकिन उनके हटाने के लिए प्रोसेस प्रेसिडेंट के माध्यम से होता है। तो ये कन्फ्यूजन से बचिएगा। आपके स्टेट पीसीएस के जो ऑफिसर हैं, मतलब कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और सदस्य, उनकी नियुक्ति गवर्नर जी करते हैं, लेकिन हटाने के लिए प्रेसिडेंट की भूमिका शुरू हो जाती है। तो ये लोक सेवा आयोग के यानी संघ और राज्य के अध्यक्ष और सदस्य। संसद की रिपोर्ट पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या निर्वाचन आयुक्त, यानी इन्हें भी संसद की प्रक्रिया से ही, यानी कि रिमूवल प्रोसेस से, लेकिन उस पर फाइनल सिग्नेचर किसका होता है? राष्ट्रपति महोदय का होता है। अब बात हम कर रहे हैं विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। आप सब पढ़ते हैं एक बात, ठीक है, ये देखिए, आप सब बार बार पढ़ते हैं, एक वर्ड पढ़ते हैं, संसद, पार्लियामेंट। अब सवाल उठता है कि पार्लियामेंट का घटक क्या है, कंपोनेंट क्या है? तो इसमें आ गया आपका लोकसभा, दूसरा आ गया आपका राज्यसभा, और तीसरा आ गया आपका राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, कहने का मतलब ये जो विधायी शक्ति की बात हो रही है, तो कोई भी विधेयक जो यहां पर शुरू हुआ वह फाइनल तभी हो पाएगा जब लोकसभा में पारित हो, राज्यसभा में पारित हो और राष्ट्रपति महोदय उस पर अपना सिग्नेचर करे, तभी विधेयक एक्ट बन पाता है। यानी विधायी कार्य में संसद का काम है विधान बनाना, और इस संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब तक हमारे देश में किसी विधेयक पर दोनों सदन से पारित हो जाने के बावजूद राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर नहीं होगा, तब तक वह एक्ट, अधिनियम नहीं बन सकता, वह हकीकत नहीं बन सकता। ये देखिए, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। राष्ट्रपति संसद के सदनों के आहूत करने, यानी सदन को बुलाना, सेशन बुलाना, सत्रावसान, सेशन का समापन और लोकसभा का विघटन, आप जानते हैं कि इन तीनों में से ये जो लोकसभा है, यह 5 साल के लिए निर्वाचित होने पर इसका गठन होता है, और 5 साल पूरा हो या किन्हीं कारणों से 5 साल के पहले भी इसका विघटन हो जाता है, जबकि राज्यसभा अस्थाई सदन होती है, एक सदस्य 6 वर्ष के लिए आते हैं,
और इस तरीके से प्रत्येक दो साल पर वन थर्ड रिटायर होते जाते हैं, यानी हाँ कभी ये खाली नहीं रहता, इस तरह से भरा जाता है। आपके मन में एक जहन में एक प्रश्न आ गया होगा तुरंत कि सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन जब पहली बार बना होगा तब कैसे हुआ? तब उस समय लॉटरी निकाली गई थी मेरे दोस्त, लॉटरी निकाली गई थी कौन एक तिहाई मेंबर यहाँ से हटेगा दो साल के बाद, अब कौन एक तिहाई मेंबर चार साल पे हट जाएगा यहाँ से, उसके बाद तो फिर प्रक्रिया में आ गई। तो उसे लॉटरी निकाल करके बाहर किया गया था, ठीक ना। शुरू में सारे मेंबर्स आए, लेकिन दो साल के बाद एक तिहाई को किनारे किया गया और एक तिहाई फिर चुन के आए, ठीक है। फिर एक तिहाई को किनारे निकाला गया और एक तिहाई चुन कर आए। इस तरीके से ये राज्यसभा का प्रक्रिया शुरू हुआ, लेकिन लोकसभा प्रत्येक पांच साल पर चुनाव होती है, नई गठित होती है, फिर भंग होती है। ये तो लोकसभा का विघटन करने की शक्ति रखता है, ठीक है। एक बात जानिएगा, यहां एक कंफ्यूजन क्वेश्चन बनाया जाता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, आपने रट लिया आहुत करना, सत्र अवसर, विघटन, लेकिन यह है सत्र का स्थगन। सत्र स्थगन कौन करता है, ठीक है। एडजॉर्न, सेशन एडजॉर्न किया गया, वो जो है पीठासीन अधिकारी करते हैं, उसमें राष्ट्रपति जी की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। सत्र का सेशन का समापन, जैसे आप देखिए कि बजट सेशन, ठीक है, और इसी तरीके से मानसून सेशन, और इसी तरीके से ये शीतकालीन सेशन, इनका समापन कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। लेकिन जब एक सेशन के दरमियान एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, दो घंटे के लिए सदन स्थगित होता है, यह काम पीठासीन अधिकारी का है, कन्फ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि ये चारों वर्ड एक साथ यूज करके और आपको फंसा लिया जाता है। अब देखिए, राष्ट्रपति महोदय लोकसभा के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र, जो पहला सेशन शुरू होता है, ठीक है ना। आज संयोग से आज पहला सेशन शुरू हुआ था बजट का, तो आज उन्होंने संबोधित किया होगा, किए हैं, और जो है कि और इसी तरीके से जब पहली बार लोकसभा माने यानी कि लोकसभा का चुनाव होकर के सरकार बनने जाती है, तो दोनों सदनों का एक साथ बैठक होता है, ठीक है। तो प्रत्येक साल बजट सेशन की जो शुरुआत होती है, पहले दिन सेंट्रल हॉल में सभी लोग बैठते हैं, ठीक है, और फिर उसी तरीके से जब नई सरकार गठन होती है, उस समय भी जो पहला सेशन होता है उसमें राष्ट्रपति महोदय बैठते हैं। तो प्रत्येक साल और दूसरे प्रथम सत्र के आरंभ में एक तथा संसद के दोनों सदनों में प्रारंभिक अभिभाषण करते हैं। राष्ट्रपति महोदय को संसद में विधायी विषयों तथा अन्य विषयों के संबंध में संदेश भेजने का अधिकार होता है, ठीक है। संदेश भेजते हैं, कोई मैसेज देते हैं। और दूसरी बात कि यहां दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति महोदय आंगल भारतीय समुदाय के दो व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं, लेकिन यहां पर हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लेटेस्ट वर्जन क्या है, अभी अभी जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है अभी इसी 2019 के अंतिम में, इसमें क्या हुआ कि एससी एसटी वर्ग के लिए जैसे 330 के अंदर और 331 में एंग्लो इंडियन के लिए ये प्रत्येक 10 साल पर इनके लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया जाता है, ये चीज और एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, ये खत्म कर दिया गया। एंग्लो इंडियन वाला खत्म कर दिया गया है, एससी एसटी का नहीं। एससी एसटी का पुनः इसको 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, अभी तक ये 2020 तक था, अब फिर इसको कर दिया है बढ़ाकर 2030 तक ये आरक्षण चलेगा। चूंकि संविधान में 10 साल के लिए प्रावधान था, और जब इसको एक्सटेंशन देना होता है तो संविधान में संशोधन करनी पड़ती है, ठीक है, तो प्रत्येक 10 साल पर आगे एक्सटेंड करने के लिए संशोधन करनी पड़ती है, और अभी अभी आपने देखा 104वें से संशोधन किया गया।
लेकिन संशोधन के दो पहलू में से एक ही पहलू केवल एससी एसटी के लिए लागू हुआ है, एंग्लो इंडियन का स्थगित कर दिया गया। ठीक है, अब एंग्लो इंडियन का ये वाला फॉर्मूला नहीं रहेगा। अब देखिए कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, जरा ये रटा रहे आपका, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ये चार विषयों पर राष्ट्रपति महोदय इस क्षेत्र के विशेषज्ञ को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। पर्पज है कि योग्यता का लाभ उच्च सदन को मिले, उस इस क्षेत्र के विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्ति का लाभ देश को मिले, ताकि उनसे संबंधित कानून बनाने में हमें मदद मिल सके। ठीक है, खैर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, जैसा कि मेरे कहते ही आप लोग तुरंत प्रतिक्रिया देना शुरू करेंगे कि सचिन जी को भी क्रिकेट में महारथी होने के लिए उनको लाया गया, लेकिन जिस अपेक्षा से उनको लाया गया वह भूमिका उन्होंने अदा नहीं की, आप बोलने लगेंगे तुरंत अभी। तो खैर कोई बात नहीं है, कोई काम करता है कोई नहीं करता है, कुछ लोग वैल्यू समझते हैं इसको, राजनीति का वैल्यू समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, सहयोग देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, जिस मनसा से आपको लाया जाता है सम्मान के साथ आप अपने पद का दायित्व निर्वहन करें, हम समझते हैं कि ये उचित होगा। जरा सा एक लाइन यहीं पर अगर देखेंगे कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा हमारे राज्यसभा के लिए है, तो एक पॉइंट केवल जोड़ देंगे तो विधान परिषद का आपको याद हो जाएगा, सहकारिता के मामले में विशेषज्ञता रखते हों। तो विधान परिषद में गवर्नर महोदय जब नियुक्त करते हैं तो वह जो है कि पांच पॉइंट हो जाता है, पांचवा पॉइंट विधान परिषद के लिए एडिशनल क्या है, सहकारिता से संबंधित अनुभव रखते हों। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में सहकारिता का प्रावधान नहीं है, केवल यही चार बिंदु हैं। आप देखिए कि जितने रिपोर्ट आती हैं वो सब राष्ट्रपति महोदय को सबमिट किया जाता है, राष्ट्रपति महोदय को दिया जाता है और राष्ट्रपति महोदय उसको सदन में रखवाते हैं, फिर उस पर चर्चा होती है, रिपोर्ट आती है, डिस्कशन होता है, सब कुछ। तो पहला तो आप देख रहे हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण, यह अनुच्छेद 112 में इसकी चर्चा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। और दूसरी चीज कि हम लोग अपने बोलचाल में बजट बोल दिया करते हैं, लेकिन हमारे संविधान में कहीं बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। अगर उल्लेख है तो क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, और वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति महोदय की सिफारिश से, राष्ट्रपति महोदय की सिफारिश से केवल और केवल, जरा केवल शब्द याद रखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, लोकसभा में वित्त मंत्री या जिसके पास वित्त मंत्रालय का चार्ज हो, वित्त मंत्रालय का भार हो, वह पेश करते हैं और इसको हम बजट भाषण कहते हैं, जो कल होने वाला है। ठीक है, आज 31 जनवरी है, कल 1 फरवरी है। आप जानते हैं कि जहां पहले हमारे यहाँ 28 फरवरी को, यानी कि फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को, लिप ईयर होने पर 29 को पेश होता था, किंतु अब 2017 से इसको 1 फरवरी से पेश किया जाने लगा है। ठीक ना, तो कल ये 1 फरवरी को बजट भाषण किया जाएगा, दिन के 11 बजे केवल और केवल लोकसभा में। राज्यसभा में ये जो बजट का पेपर होता है उसको रख दिया जाता है ताकि राज्यसभा के लोग भी जानकारी प्राप्त कर ले, लेकिन जो स्पीच होती है वो केवल और केवल लोकसभा, लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही यह पेश किया जाता है। आप कहेंगे सर राज्यसभा में नहीं, लोकसभा को हम निचला सदन जरूर कहते हैं, लेकिन यह पावरफुल सदन होता है, क्यों, क्योंकि इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसीलिए वित्त पर निगरानी रखने का अधिकार किसको है, लोकसभा को है, इसीलिए बजट कहां पेश होता है, लोकसभा में पेश होता है। चलिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी, सीएजी भी अपनी रिपोर्ट आप सभी जानते हैं अंडर आर्टिकल 151 में महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं किसको, राष्ट्रपति महोदय को, और राष्ट्रपति महोदय उसको रखवाते हैं सदन में, और जब सदन में रखा जाता है तो सदन क्या करती है, लोक लेखा समिति को यह सौंप देती है।
लोक लेखा समिति को सौंप देती है और लोक लेखा समिति सीएजी के इस रिपोर्ट का मूल्यांकन करती है, रिव्यू करती है और उसके अनुसार कदम बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर विपक्ष का नेता होता है, यानी विपक्ष का व्यक्ति होता है। कहने का मतलब ताकि जो है वित्त पर आए हुए रिपोर्ट का सही आकलन हो सके, ये तो लोक लेखा समिति करती है। आप देखिए कि वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। आप सभी को मालूम है कि वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंदर संविधान में प्रावधान है, आर्टिकल 280 राष्ट्रपति महोदय 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पर, और यह वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। अभी देखिए 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया है और अभी इनका रिपोर्ट आना था लेकिन विलंब हो गया है, और अब ये निर्णय किया गया है कि चूंकि इनका यह रिपोर्ट 1 अप्रैल 2020 से लागू होना था 25 तक के लिए, लेकिन विलंब होने की वजह से अब 1 साल का अंतरिम वो पेश करेंगे और शेष बचा हुआ 4 वर्ष का दिसंबर के महीने में 2020 में पेश करेंगे अगले 4 वर्ष का। आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के मामले की वजह से चीज़ों में काफ़ी बदलाव आ गया है, जिसकी वजह से पुनः इनको रिवाइज करके वह वित्त आयोग को रिपोर्ट तैयार करनी पड़ रही है, इसीलिए विलंब हुआ है, ठीक है। कुछ विषयों से संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व थोड़ा टाइम देख लें, चलिए अभी टाइम है, करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। राज्यों की सीमा परिवर्तन, धन विधेयक पेश करने से पहले परमिशन चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय की सिफारिश पर ही धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है, ठीक है, लोकसभा से ही शुरू होता है, केवल और केवल लोकसभा से शुरू होता है, राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है तब जा करके। अनुच्छेद 31(1) में वर्णित विषय आज से संबंधित विधेयक, आप देखिए कि अनुच्छेद 31 के अंदर संपत्ति से संबंधित प्रावधान है, ठीक है, संपत्ति से संबंधित कोई कानून बनाया जाए ऐसे कानूनों को संरक्षण के लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है। वह किसी भी विधेयक को अनुमति दे सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं तथा उस पर अपनी अनुमति रोक सकते हैं। आप देखिए अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 ये क्या है, आर्टिकल 111 ये क्या है, संघ के विधेयकों पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया, संघ के विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति, ठीक है, संघ के विधेयक पर राष्ट्रपति जी की अनुमति। और आप देखिए अनुच्छेद 111 के अंदर राष्ट्रपति जी कैसे करते हैं, 4 विषय होता है, 1 यस कर सकते हैं यानी साइन कर देंगे तो विधेयक अधिनियम बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। अगर राष्ट्रपति महोदय ने नो कह दिया, इसको हिंदी में विधारित करना कहते हैं, और विधारित करने का मतलब होता है वह विधेयक का विषय ही समाप्त हो जाता है, वह विधेयक का विषय ही समाप्त हो जाता है, ये नहीं कि उसको घुमा के लाइए पुनः राष्ट्रपति जी के पास पेश करिए। अगर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति विधारित कर ली है, इसका अर्थ है कि वह विधेयक का विषय ही समाप्त हो जाता है, समझिएगा। और तीसरा, पुनर्विचार का अधिकार होता है, लेकिन कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन क्या, धन विधेयक का पुनर्विचार नहीं होगा, बाकी किसी विधेयक का पुनर्विचार के लिए वो भेज सकते हैं, और जब पुनर्विचार के लिए भेजेंगे तो वापस आने पर हस्ताक्षर करनी होगी, यानी 1 ऑप्शन है उनके पास, 1 बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, धन विधेयक को 1 बार भी नहीं भेज सकते। चौथा है पॉकेट वीटो। ये पॉकेट वीटो क्या है, हमारे देश में राष्ट्रपति जी के ऊपर किसी विधेयक को कितने दिनों में अनुमति देनी है इस पर कोई शर्त नहीं होती है, और जब कोई विधेयक पेश हो राष्ट्रपति महोदय के पास, अगर राष्ट्रपति महोदय न तो यस करें न नो करें न पुनर्विचार के लिए भेजें, यूं ही टेबल पर पड़े रहने दें, ठीक है, तो इसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं। वह पॉकेट और जेब में लेके नहीं घूमते हैं, एक कहने की बात है,
पॉकेट बीटो, जेबी बीटो, अंग्रेजी में पॉकेट कहते हैं, हिंदी में जेब कहते हैं, जेबी बीटो कहते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो, तो टेबल पर पड़ी रहती है बिना किसी प्रतिक्रिया के, इसी को कहते हैं पॉकेट बीटो। क्योंकि राष्ट्रपति महोदय के पास कोई सर कोई बंधन नहीं है कि कितने दिनों में परमिशन, संभव है कि पूरा कार्यकाल बीत जाए और बिना परमिशन दिए राष्ट्रपति महोदय अपना कार्यकाल पूरा कर लें, तो विधेयक पड़ी रहती है, आने वाले राष्ट्रपति के द्वारा उसको पुनः लौटा दिया जाता है। जैसा कि 1986 में पोस्ट ऑफिस बिल आप देखिए, यह श्री राजीव गांधी जी ने इसको यहाँ से पास किया था और राष्ट्रपति महोदय श्री ज्ञानी जैल सिंह के समक्ष लाया गया। पोस्ट ऑफिस बिल का विषय था, अगर शक हो तो चिट्ठी खोलकर पढ़ी जा सकती है, शक होने पर चिट्ठी खोलकर पढ़ी जा सकती है। इस विधेयक के माध्यम से यही कानून लागू किया जा रहा था, यही परमिशन लिया जा रहा था, लेकिन राष्ट्रपति महोदय का उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से कुछ खास नहीं बन रही थी और उस पर राष्ट्रपति महोदय का अपना जो भी विचार रहा हो, उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना तो यस कहा, ना नो कहा, ना रिव्यू किया। ठीक है, वह किसी भी विधेयक को अनुमति दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, चलिए, लेकिन धन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से अनुमति देनी होती है। ठीक है, आप देखिए कि धन विधेयक को राष्ट्रपति महोदय एक बार पहले पढ़ करके ही सदन में सिफारिश करके रखवाते हैं। ठीक है, ऐसे में उस विधेयक को रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय पहली बार इसको पढ़ करके और लोकसभा में पेश किए जाने की सिफारिश करते हैं, फिर प्रक्रिया आगे बढ़ती है, फिर वही विधेयक जब उनके समक्ष लाया जाएगा तो क्यों रोकेंगे, और फिर इससे पूरी सरकार चलाना मुश्किल होगा, गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं भेज सकते हैं, आप क्लियर रहे। संविधान संशोधन विधेयक के लिए भी इस प्रकार का प्रावधान है, जरा देखिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति जी को मंत्रिपरिषद की सलाहों को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए प्रेषित करने का अधिकार दिया गया है। यदि परिषद अपने विचार पर टिकी रहती है, यानी उन्होंने पुनर्विचार के लिए भेजा और अगर दोनों सदनों ने कोई परिवर्तन नहीं किया, सेम बहुमत से, साधारण बहुमत से ही पास करके उनके समक्ष चला दिया, तो जो है कि उनको राष्ट्रपति महोदय को सलाह दे मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। संविधान में राष्ट्रपति महोदय को किसी विधेयक को अनुमति देने, अनुमति न देने अथवा वापस करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसीलिए पॉकेट वीटो जैसा वजूद बनता है हमारे देश में। किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति चाहें तो अपने पूरे कार्यकाल में कोई मंतव्य नहीं भी दे सकते हैं। यदि वैसा करते हैं इसको वीटो ही माना जाता है, और वह कैसा वीटो होता है? पॉकेट वीटो होता है। ठीक है, ये सारा कुछ हमने आपको बता दी है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। और देखिए, 6 माह की अवधि में यदि वह राज्य विधानमंडलों द्वारा पुनर्विचार के पश्चात प्रस्तुत किया जाता है तो भी वह उसे अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं थे। अब थोड़ा सा देखिए, अभी हमने आपको दिखाया अनुच्छेद 111 जिसमें संघ के विधेयक पर राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुमति, संघ के विधेयक पर राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुमति, लेकिन यहां मैं दिखा रहा हूं अनुच्छेद 200, यह राज्यपाल जी राज्य के विधेयक पर अनुमति का प्रावधान है। जो 4 बातें यहां मैं लिखी थी वो बातें यहां पर भी, लेकिन अनुच्छेद 201 इसके अंदर क्या होता है, राज्यपाल महोदय राज्य के विधेयक को चाहे तो राष्ट्रपति महोदय के लिए आरक्षित कर सकते हैं। और जब राष्ट्रपति महोदय के लिए राज्य के किसी विधेयक को अगर आरक्षित कर देंगे तो ऐसे में अब राज्यपाल उस पर कोई निर्णय नहीं कर सकते। लेकिन अगर राष्ट्रपति महोदय राज्य के विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दें और पुनर्विचार होकर अगर पुनः उपस्थित किया जाए तो राष्ट्रपति महोदय की कोई बाध्यता नहीं है कि उस पर साइन करें। लेकिन अगर यही संघ का विधेयक होता और पुनर्विचार के लिए भेजते
और पुनर्विचार होकर जब वापस आता तो साइन नहीं करते तो महाभियोग लग जाता, महाभियोग लग जाता। ठीक है, ये तो जरा आप जरा याद करिएगा, संघ के विधेयक पर अगर पुनर्विचार होकर आने पर राष्ट्रपति महोदय साइन नहीं करेंगे तो महाभियोग लग जाएगा, और राज्य के विधेयक पुनर्विचार होकर आएगा तो राष्ट्रपति महोदय साइन नहीं करेंगे तो कोई महाभियोग जैसी कोई बात नहीं। यानी राष्ट्रपति महोदय उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अब टाइम हो चुका है, थोड़ा मुझे अगली क्लास करनी है, और आप देखिए कि मैं ट्रेन यात्रा की वजह से इस वीडियो को प्री रिकॉर्ड करके दे दिया ताकि आप सुबह मिस ना हो। ठीक है, तो ये वीडियो प्रीमियर रहेगी। अब चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि कल सुबह यानी कि 2 तारीख की मॉर्निंग में 8 बजे की क्लास आपको मिलेगी, इकोनॉमिक सर्वे फर्स्ट वॉल्यूम नीतिगत बातें, जबकि आज ही 1 फरवरी संध्या 6 बजे हम बजट पर क्लास करेंगे, जो गवर्नमेंट आज 11 बजे पेश करने वाली है। ठीक है, 1 फरवरी को आज 11 बजे दिन में लोकसभा में यह बजट पेश होगा, और उसकी पूरी जो उपयोगी तत्व है हम आपको आज शाम 6 बजे प्रस्तुत करेंगे, और आपको बताएंगे कि इसमें किस तरीके से क्या पढ़ा जाता है, क्या मेरे काम का होता है, कहाँ मैं इसको कैसे अप्लाई करूँगा, ये सब कुछ आपको सिखाऊंगा। इकोनॉमी का नोट्स अपडेट कैसे होता है, ठीक है, कौन सा पोर्शन किस चैप्टर में जाएगा, कहाँ नीचे रखी जाएगी, यह मैं आपको वहीं पर सिखाऊंगा आज शाम 6 बजे, जबकि बजट 11 बजे दिन में पेश होगा और हम शाम को 6 बजे आपके सामने होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।